हेलो एवरीबडी वेलकम टू माई चैनल दिस इज़ प्रोफेसर इवनीत सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू टाइप्स ऑफ डैमेजेस अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कई बार इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन या फिर कई बार शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में कि डैमेजेस कितने टाइप के होते हैं और उसे एक्सप्लेन करिए तो इस वीडियो में मैं आपको डैमेजेस एक्सप्लेन करूंगी उसके टाइप्स एक्सप्लेन करूंगी और साथ में उसकी केस स्टडीज़ और एग्जाम्पल्स भी बताऊंगी ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए और हाँ मैंने बिजनेस लॉ की इससे पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे दूंगी तो आप चेक कर लीजिएगा सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड डैमेजेस की टाइप्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डैमेजेस होते क्या हैं ठीक है तो जब कोई पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना तो जो दूसरी पार्टी होती है उसे हम एग्रीव्ड पार्टी कहते हैं एग्रीव्ड पार्टी वो पार्टी होती है जिसे लॉस हुआ हुआ होता है जिसे नुकसान हुआ होता है पहली पार्टी के कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह से ठीक है तो जो एग्रीव्ड पार्टी होती है अब फर्स्ट पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो एग्रीव्ड पार्टी के पास ये राइट होता है कि वो फर्स्ट पार्टी से जिसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है उससे डैमेजेस क्लेम कर सके जो कि उसे नुकसान हुआ है वो फर्स्ट पार्टी से उसकी भरपाई कर सके तो उसे हम डैमेजेस कहते हैं तो आर ए अलाउड टू द द पार्टी बाय लॉ फॉर लॉस और इंजरी सफर्ड बाय हिम फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ठीक है तो ये एक मॉनिटरी कॉम्पनसेशन होता है मीन्स पैसे की फॉर्म में कॉम्पनसेशन दिया जाता है किसको अग्रीव्ड पार्टी को जो कि उसने लॉस सफर किया है पहली पार्टी के कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह से ठीक है है अब इसका पर्पस क्या होता पार्टी रिटेन द पोजीशन इट हैड बिफोर द लॉस वाज इम्पोज अपॉन द पार्टी बाय द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अब डैमेजेस क्लेम करने का पर्पस क्या है क्यों क्लेम करती है ग्रीफ्ड पार्टी ताकि जो एग्रीव पार्टी को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके उन पैसों से उस डेमेजेस से ताकि अग्रीव्ड पार्टी को वो पैसे लेने के बाद उसी पोजीशन पे पहुंचाया जाए जिस पोजीशन पे वो थी कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले ताकि उसे कोई भी नुकसान ना हो इसलिए जो है ये डैमेजेस जो है वो दूसरी पार्टी से क्लेम किए जाते हैं ओके अब आ जाओ टाइप्स या फिर काइंड ऑफ डैमेजेस डैमेजेस कितने टाइप्स के होते हैं तो हमारे बेसिकली फाइव टाइप्स के होते हैं जनरल डैमेजेस स्पेशल डैमेजेस एग्जेपलरी और विंडेक्टिव डैमेजेस नॉमिनल डैमेजेस लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनाल्टी ओके हम इसको एक एक करके सब डिस्कस करेंगे फर्स्ट इज जनरल डैमेजेस जनरल डैमेजेस क्या होते हैं

तो जो नेचुरल या फिर डायरेक्ट लॉस होता है किसको एग्रीव्ड पार्टी को उसको हम जनरल डैमेज कहते हैं कि मींस जो लॉस तो होता ही होता है एंड द एग्रीव्ड पार्टी कैन क्लेम सच डैमेज और एग्रीव्ड पार्टी जो है वो डैमेज जो है वो दूसरी पार्टी से क्लेम करती है जिसने वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा होता है अब ये एग्जाम्पल से क्लियर होगा आपको देखो जैसे ए है ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू प्रिक्योर 50 बैग्स ऑफ वीट फ्रॉम बी एट रुपीज टू पर बैग ए ने कॉन्ट्रैक्ट करा किसके साथ बी के साथ कि जो ए है वो बी से 50 बैग वीट के खरीदेगा किस रेट पे एट 200 पर बैग रुपीज टू पर बैग के हिसाब से वो 50 बैग वीट के खरीदेगा किससे बी से ऑन द डे ऑफ डिलीवरी जब डिलीवरी की डेट आई तो बी फेल्स टू डिलीवर बी ने मना कर दिया गुड्स को डिलीवर करने के लिए या फिर वो डिलीवर नहीं कर पाया एंड ए हैज प्रिक्योर दीट प्रिक्योर मतलब लेना अब एक को क्या एक को तो वीट चाहिए थी तो उसने क्या करा उसे ओपन मार्केट से वीट खरीदनी पड़ी और ओपन मार्केट में उसे वीट का जो एक बैग है वो 400 का पड़ा अब अब क्या है ए से तो वो टू हंड्रेड में खरीद रहा था लेकिन अब ओपन मार्केट से उसे वो बैग कितने का पड़ा पड़ा फोर हंड्रेड का पड़ा ठीक है तो अब उसने टू हंड्रेड रुपीज ज्यादा दिए हैं दैट इज रुपीज टू हंड्रेड मोर देन व्हाट ही वुड हैव बीन पेड टू बी फॉर द क्वांटिटी ऑफ वीट तो मीन्स पहले वो दो में खरीदने वाला था लेकिन अब उसे चार में पड़ा तो मीन्स उसे टू हंड्रेड ज्यादा पे करने पड़े तो जो ये टू हंड्रेड रुपीज ये हमारा जनरल लॉस है द लॉस ऑफ रुपीज टू हंड्रेड इज अ जनरल लॉस एंड ए इज टाइटल टू क्लेम द सेम फ्रॉम बी तो यह टू हंड्रेड रुपीज जनरल लॉस है और ए ये वाले पैसे जो है वो बी से रिकवर करेगा ओके नेक्स्ट इज स्पेशल डैमेजेस स्पेशल डैमेजेस क्या होते हैं अ लॉस दैट अराइजेज आउट ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांज प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड स्पेशल डैमेजेस एंड इंक्लूड डैमेजेस अदर देन दो फ्रॉम द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ठीक है स्पेशल डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं वो लॉस होता है जो एक पर्सन को स्पेशल सर्कमस्टांसिस की वजह से हुआ होता है उसे हम स्पेशल डैमेजेस कहते हैं ठीक है ठीके? और इसमें वो डैमेजेस भी इंक्लूड होते हैं जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से तो हुए ही हैं लेकिन उसके अलावा जो लॉस हुआ है पार्टी को उसमें वो चीज भी इंक्लूड होती है ठीक है ये आपको एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा देखो द फॉलोइंग आर द सिचुएशन इन विच द एग्रीव्ड पार्टी इज इन टू सच डैमेजेस बट पहले ये डैमेजेस को क्लेम करने के लिए क्या क्या चीजें होना जरूरी है स्पेशल डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड ओनली इफ देर इज अ स्पेशल लॉस टू द एग्रीव्ड पार्टी स्पेशल डैमेज आप तभी क्लेम कर सकते हो अगर पार्टी को स्पेशल लॉस हुआ है बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर इन नो ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसिस लीडिंग टू सच लॉस दोनों पार्टीज को पता था कि ये स्पेशल सर्कमस्टांसेज की वजह से ये लॉस हो सकता है मींस ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी को पता था वो स्पेशल सर्कमस्टांसेज दोनों पार्टीज को पता होना बहुत ज़रूरी है थर्ड इज द कॉन्ट्रैक्ट एन विज इज द पेमेंट ऑफ स्पेशल डैमेजेस और जो कॉन्ट्रैक्ट है जो उन्होंने जो दो पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट करा था और तो उस कॉन्ट्रैक्ट में भी ये चीज़ मैंशन होनी चाहिए कि अगर स्पेशल लॉस होगा तो आपको स्पेशल डैमेजेस पे करने पड़ेंगे ठीक है तो ये एग्जाम्पल से क्लियर होगा आपको ज़्यादा देखो बी कॉन्ट्रैक्ट विद रेलवे कंपनी टू ट्रांसपोर्ट फोर्डर टू द डेस्टिनेशन वेयर अ कैटल फेयर इज गोइंग टू बी हेल्ड फॉर्डर होता है जो गाय का चारा होता है ठीक है जो वो खाना खाती है गाय उसे फॉर्डर बोलते हैं बी ने रेलवे कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा क्या कॉन्ट्रैक्ट करा कि रेलवे कंपनी जो है वो फॉर्डर ट्रांसपोर्ट करेगी कहाँ पे जहां पे कैटल फेयर लगा हुआ है कैटल फेयर मतलब गाय का मेला लगा हुआ है कहीं पे ठीक है तो बी ने कॉन्ट्रैक्ट करा किसके साथ रेलवे कंपनी के साथ ही ऑल्सो इन्फॉर्म्स द रेलवे कंपनी दैट द फॉर्डर इज मेंट फॉर द कैटल फेयर मेंट के बाद फॉर आएगा ठीक है तो उसने रेल कंपनी को यह भी बता दिया था कि जो फॉर्डर ट्रांसपोर्ट आप करके लेके आ रहे हो वो कैटल फेयर के लिए है तो ये स्पेशल सर्कमस्टांस है जो बी को भी पता था और बी ने रेलवे कंपनी को भी बता दिया तो मीन्स दोनों पार्टीज को पता चल गया तो उसने बता दिया कि जो चारा आप लेके आ रहे हो वो कैटल फेयर के लिए है कैटल के मेले के लिए है इफ द फॉर्डर डज नॉट रीच ऑन टाइम देयर विल बी अ स्पेशल लॉस टू बी अगर फॉर्डर जो है टाइम पे नहीं पहुंचा तो बी को स्पेशल लॉस होगा वो लॉस क्या होगा देखो इफ द डिलीवरी इज डिलेड अगर डिलीवरी डिले हो गई मतलब लेट हो गई अगर डिलीवरी बी इज इंटाइटल नॉट ओनली टू लॉस ही सफर्स बी को सिर्फ यही लॉस नहीं होगा कि वो फॉर्डर उसने सप्लाई करना था और वो नहीं कर पाया वो लॉस तो उसे हो होगा ही होगा जनरल लॉस तो उसे होगा ही होगा साथ में उसे स्पेशल लॉस भी होगा स्पेशल डैमेज लॉस क्या होगा देखो बिकॉज ऑफ लेट डिलीवरी बट ही कैन ऑल्सो क्लेम प्रॉफिट ही वुड हैव मेड बाय सेलिंग द फॉर्डर इन द कैटल फेयर ठीक है तो उसे स्पेशल डैमेज वो क्लेम करेगा क्यों क्योंकि उसे जनरल लॉस तो हुआ ही हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ टाइम पे तो जनरल लॉस तो उसे हुआ ही हुआ लेकिन साथ में वो दूसरी पार्टी से मीन्स वो रेलवे कंपनी से वो प्रॉफिट भी क्लेम करेगा कि भाई अगर आप टाइम पे पहुंचा देते तो मैं उस फॉर्डर को कैटल फेयर में बेच देता तो मुझे उससे जो प्रॉफिट होता अब आपने नहीं पहुंचाया टाइम पे तो मेरे को वो प्रॉफिट भी नहीं मिला तो मींस उसे जनरल लॉस तो हुआ ही हुआ साथ में उसे स्पेशल लॉस भी हुआ और स्पेशल लॉस क्या था वो प्रॉफिट जो कि वो नहीं कमा पाया अगर रेलवे कंपनी टाइम पे जो है वो फॉर्डर नहीं देती है ओके आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा स्पेशल डैमेजेस क्या होते हैं नेक्स्ट इज एग्जैम्पलरी और विंडिक्टिव डैमेजेस एग्जैम्पलरी और विंडिक्टिव डैमेजेस वहां पे क्लेम किए जाते हैं जब किसी पार्टी की रेपुटेशन पे असर पड़ा होता है रेपुटेशन को uh, हर्ट हुआ होता है किसी की गुडविल डैमेज हुई होती है तब हम ये वाले डैमेजेस क्लेम करते हैं देखो समटाइम्स द ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ ए पार्टी क्रेडिबिलिटी होती है भरोसा एंड मे हर्ट द पार्टीज रेपुटेशन कई बार कॉन्ट्रैक्ट तोड़ टूटने की वजह से पार्टी को जनरल लॉस तो होता ही होता है जो कि पैसे में आप फुलफिल कर सकते हो लेकिन कई बार पार्टी के रेपुटेशन पर बहुत फर्क पड़ता है जिसको आप मॉनिटरी कॉम्पनसेशन

इन सर्कमस्टांसेस में अगर कोर्ट को लगता है कि ऑर्डिनरी डैमेजेस इनफ नहीं ऑर्डिनरी डैमेजेस कौन से जनरल डैमेजेस की अगर कोर्ट को लगता है कि ऑर्डिनरी डैमेजेस इनफ नहीं है पूरे नहीं है इस इस लॉस को कवर अप करने के लिए तो कोर्ट जो है एग्जाम्पलरी डैमेजेस भी साथ में लगाती है डिफॉल्टर को ठीक है अब इस एग्जेपलरी और विंडिक्टिव डैमेजेस का क्या मकसद है इट इज़ ओनली टू कंपनसेट द अग्रीव पार्टी इट इज़ नॉट ओनली टू कंपनसेट द अग्रीव पार्टी बट ऑल्सो टू पनिश द डिफॉल्टर सिर्फ अग्रीव्ड पार्टी को कंपनसेट करना ही इसका मकसद नहीं होता है इसका मकसद ये भी होता है कि डिफॉल्टर को सज़ा दी जाए क्योंकि उस डिफॉल्टर की कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की वजह से जो पहली पार्टी है जो अग्रीव्ड पार्टी है उसकी रेपुटेशन पर फर्क पड़ा है ताकि वो दोबारा से ऐसी गलती ना करें तो इसलिए ये डैमेजेस जो है वो इम्पोज किए जाते हैं ठीक है अब इसमें देखो ये एग्जांपल से क्लियर होगा ये केस लिया है मैंने केस ऑफ जेफरसन वर्सेस पार्सकल का है ये ये मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है वैसे मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है लॉ की नज़र में लेकिन इसमें मैरिज की ही एग्जांपल ली है देखो द जस्टिस अपॉइंट

गई फैमिली की तरफ से और दूसरा पर्सन जो है वो शादी करने के लिए नहीं आया तो उस वजह से अब जो शादी में खर्चा करा है उस पार्टी ने वो तो लॉस होगा ही होगा वो हमारा जनरल डैमेज में आएगा लेकिन इस केस में गर्ल की रेपुटेशन पे भी फर्क पड़ा है और इवन गर्ल्स के इमोशंस भी हर्ट हुए हैं क्योंकि वो शादी करने वाली थी और उसकी शादी नहीं हुई ठीक है तो एक तो उसकी रेपुटेशन पे असर पड़ा है अब उस लड़की से कोई शादी नहीं करेगा बहुत मुश्किल हो जाएगी उसकी रेपुटेशन पे फर्क पड़ा है और ऊपर से उसके इमोशंस भी हर्ट हुए हैं तो इन केसेस में ऑर्डिनरी डैमेजेस इनफ नहीं होते हैं पूरे नहीं होते हैं तो जो कोर्ट है वो विंडिक्टिव या फिर एक्जेंपलरी डैमेज भी उस पर लगाती है ताकि दोबारा से कोई ऐसी गलती ना करे तो ये जो रूलिंग uh, आई थी ये इस केस से आई थी जेफरसन वर्सेस पास्कल से ठीक है ओपाइंड का मतलब होता है डिसाइड करना सलाह देना फाइनल करना जो रूलिंग कोर्ट देता है ठीक है नेक्स्ट इज केस ऑफ एडिस वर्सेस ग्रामोफोन कंपनी अब ये केस जो था वो बैंक के साथ रिलेटेड था इट वॉज हेल्ड दैट इफ अ बैंक रिटर्न अ ट्रेडर चेक अनपेड इसमें क्या हुआ कि एक बैंक ने ट्रेडर का चेक अनपेड मतलब पे नहीं करा और वापस कर दिया इवन दो देर इज अ इनफ मनी इन द अकाउंट होल्डर बैलेंस मतलब अकाउंट होल्डर के बैलेंस में अकाउंट होल्डर के अकाउंट में बहुत सारे पैसा था बैलेंस था लेकिन फिर भी वो चेक जो है वो बाउंस कर दिया गया कोर्ट की उसकी तरफ से बैंक की तरफ से फॉर नो वैलिड रीजन बैंक के पास कोई रीजन नहीं था द बैंक इज लाइबल टू एक्जैम्पलरी डैमेज अब यहाँ पे बैंक ऑर्डिनरी डैमेज तो देगा ही देगा साथ में एक्जलरी डैमेज भी देगा क्यों क्योंकि जो ट्रेडर है उसने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है ट्रेड में अब कोई भी उस ट्रेडर के चेक पे भरोसा नहीं करेगा कोई भी उससे चेक नहीं लेगा कि भाई इसका चेक तो बाउंस हो जाता है तो उसका क्रेडिबिलिटी उसकी रेपुटेशन पे फर्क पड़ा है और ये रेपुटेशन सबसे ज्यादा तब फर्क पड़ता है जब वो चेक जो है वो ज्यादा बड़ा अमाउंट का ना हो जहाँ छोटा सा चेक हो अगर वो भी बाउंस हो जाए तो फिर उस ट्रेडर के साथ कोई दोबारा ट्रेड नहीं करेगा तो उसकी क्रेडिबिलिटी पर फर्क पड़ा है तो यहाँ पे कोर्ट ऑर्डिनरी डैमेजेस के साथ साथ विंडिक्टिव डैमेजेस भी लेगा विंडिक्टिव डैमेज और एग्जैंपलरी डैमेज दोनों सेम है एक ही मतलब उनके दो नाम है एक ही चीज है ओके नेक्स्ट इज नॉमिनल डैमेजेस नॉमिनल डैमेजेस होते हैं बहुत ही मामूली से डैमेजेस बहुत बहुत जो स्मॉल अमाउंट के होते हैं वेन द ग्रीव्ड पार्टी हैज नॉट इनफैक्ट सफर्ड एनी लॉस बाय द रीजन ऑफ रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द डैमेज रिकवरेबल बाय हिम आर नॉमिनल वेरी स्मॉल ये नॉमिनल डैमेजेस तब क्लेम किए जाते हैं जब एग्रीव्ड पार्टी ने कोई भी लॉस सफर नहीं करा है मीन्स अग्रीव पार्टी को कोई भी लॉस नहीं हुआ है कॉन्ट्रैक्ट टूटने की वजह से तो जो डैमेजेस अग्रीव पार्टी रिकवर करती है दूसरी पार्टी से उसे हम नॉमिनल डैमेजेस कहते हैं जो कि वेरी स्मॉल होते हैं अब आप लोग कहोगे कि अगर अग्रीव पार्टी को कोई लॉस ही नहीं हुआ तो वो डैमेजेस रिकवर ही क्यों करती है ठीक है तो ये क्यों किए जाते हैं सच डैमेजेस इज अ वार्निंग टू डिफॉल्टिंग पार्टी दैट इट हैज कमिटेड अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये क्यों रिकवर किए जाते हैं ये एक तरह से डिफॉल्टिंग पार्टी को वार्निंग दी जाती है कि आपने हमारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा चाहे हमें लॉस नहीं हुआ लेकिन आपको फिर भी ये चीज़ पे करनी पड़ेगी क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है ताकि दोबारा से कोई और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की गलती ना करे या फिर वही पर्सन दोबारा किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़े ना ठीक है अब देखो इसकी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपको मैंने वही वीट वाली एग्जाम्पल ली है जो पीछे ली थी ए मेक्स कॉन्ट्रैक्ट टू प्रिक्योर फिफ्टी बैग्स ऑफ वीट फ्रॉम बी ए ने कॉन्ट्रैक्ट करा कि वो बी से ट्वेंटी फिफ्टी बैग लेगा वीट के टू हंड्रेड पर बैग पे ठीक है डे ऑफ डिलीवरी पे बी फेस टू डिलीवर बी ने डिलीवर नहीं करा जब डिलीवरी की डेट आई अब ए को क्या पड़ा ए को दूसरे सप्लायर से वीट खरीदनी पड़ी लेकिन ए को यहाँ पे क्या फायदा हुआ ए को सेम प्राइस पे वीट मिल गई मतलब दो रुपए के हिसाब से उसने ऐसे लेना था अब दो रुपए के हिसाब से उसे दूसरे सप्लायर से भी मिल गया तो ए को तो कोई लॉस नहीं हुआ उसको तो वीट मिल गई उसी प्राइस पे अब यहां पे नाउ बी हैज नॉट सफर्ड एनी लॉस बी को कोई लॉस नहीं हुआ लेकिन इन ऑर्डर टू मेंटेन डिसिप्लिन इन बिजनेस इंडस्ट्री बिजनेस की बिजनेस इंडस्ट्री में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए कोर्ट जो है वो बी को कह सकता है कि आप पे करो क्या नॉमिनल डैमेजेस अब सो दैट द पर्सन कैन नॉट मेक ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वेरी इजिली ताकि जो पर्सन है वो ईजिली कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक ना कर सके अगर सपोज अगर दूसरी पार्टी को कोई लॉस ही ना हो तो फिर तो ऐसे हर कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता फिरेगा तो एक तरह से डिसिप्लिन बनाने के लिए बिजनेस इंडस्ट्री में कोर्ट जो है वो नॉमिनल डैमेज बोलता है दूसरी पार्टी को कि आपको पे करने पड़ेंगे अब आप लोग कहोगे कि नॉमिनल डैमेजेस तो बहुत स्मॉल होते हैं तो दूसरी पार्टी को क्या प्रॉब्लम होगी बहुत कम अमाउंट तो कोई भी पे कर सकता है लेकिन जो कोर्ट का प्रोसीजर होता है वो बहुत कम्बरसम होता है बहुत लंबा लेंदी प्रोसीजर होता है तो उसी में पार्टी जो है वो इरिटेट हो जाती है मीन बहुत सारी प्रोसीडिंग्स होती हैं ठीक है ना चाहे अमाउंट बहुत कम है लेकिन उसको पे करने के लिए भी बहुत सारी प्रोसीडिंग्स होती है तो उसमें पर्सन इरिटेट होता है तो इसीलिए ये किया जाता है ताकि जो पर्सन है वो दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट को ना तोड़ सके और एक तरह से बिजनेस इंडस्ट्री में एक डिसिप्लिन बना रहे कि कॉन्ट्रैक्ट को निभाना ही निभाना है ओके, नेक्स्ट इज लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट एग्री एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट इन द इवेंट ऑफ ब्रीच ऑफ द पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रीच वुड पे अड डैमेजेस टू द अदर पार्टी सच पेमेंट मेंिक्विडेस और पेनाल्टी अब लिक्विडिटी डेमेज और पेनाल्टी क्या होता है पहले हम जनरल समझते हैं जब पार्टी जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है जब कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त वो खुद ही आपस में एग्री करें मतलब अपनी इच्छा से दोनों पार्टीज ये कहें कि अगर फ्यूचर में हम दोनों में से कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा तो इतने डैमेजेस दूसरी पार्टी को उसे देने पड़ेंगे ठीक है मींस जब आप डैमेजेस पहले से ही डिसाइड कर देते हो कि अगर फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट टूटा तो अग्रीव्ड पार्टी को दूसरी पार्टी को दूसरी पार्टी को अग्रीव पार्टी को इतने डैमेजेस देने पड़ेंगे तो उसको हम लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी बोलते हैं एस्टिमेशन तो है? देखो।, देखो दोनों में होता है पेनल्टी में भी होता है लिक्विडेटेड डैमेजेस में होता है दैट इज पेबल बाय द डिफॉल्टिंग पार्टी टू दीव पार्टी एट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दोनों में एस्टिमेशन होता है ठीक है कि मीन अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे तो ये डैमेजेस पहले से ही डिसाइडेड होते हैं कि अगर फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट टूटा तो इतने पैसे देने पड़ेंगे लेकिन लिक्विडेटेड डैमेजेस को कोर्ट इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकता ठीक है अब आ जाओ पेनल्टी मैं आगे इन दोनों का डिफरेंस क्लियर करूंगी आपको कि इन दोनों में क्या फर्क है फिर पेनल्टी भी जो अमाउंट होता है वो भी अमाउंट हमारा पहले से ही डिसाइड होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटा तो दूसरी पार्टी एग्रीव्ड पार्टी को इतने पैसे देगी इतने डैमेजेस देगी ही देगी ठीक है लेकिन अब इसमें क्या फर्क है देखो द पेनल्टी इज द अमाउंट दैट इज नॉट रिलेटेड टू डैमेजेस लाइकली टू बी कॉज टू अग्रीव्ड पार्टी इन केस ऑफ ब्रीच बट इट इज डिसप्रोपोर्शनेटली मोर डिसप्रोपोर्शनेटली का मतलब होता है अनरिजनेबली मोर दैट इज फिक्सड बाय बोथ द पार्टीज विद्यू टू इंश्योर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पेनल्टी का जो अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं वो डैमेजेस जैसे सपोज अगर दो पार्टीज में से एक ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो जो दूसरी पार्टी को जितने का लॉस हो सकता है सपोज अगर दूसरी पार्टी को वन लाख रुपीज़ का लॉस हो सकता है तो वो लिक्विडेटेड डैमेजेस वन लाख रुपीज़ रख देंगे लेकिन पेनल्टी अगर उन्होंने रखी टेन लाख रुपीज़ तो पेनल्टी का मतलब ही होता है सज़ा तो पेनल्टी जो होती है वो उसका उसका डैमेज से या लॉस से कोई लेना देना नहीं है वो जानबूझ के बहुत ज्यादा रखी जाती है और उसका मकसद क्या होता है कि दूसरी पार्टी चाह कर भी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़े नहीं चाह कर भी उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना ही पड़े उसको ठीक है तो पेनल्टी एक तरह से सजा होती है एक तरह से बहुत ज्यादा डैमेजेस रखे जाते हैं जिसका लॉस से कोई लेना देना नहीं होता सिर्फ इसलिए ताकि पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सके अब पेनल्टी के, के केस में क्या होता है कोर्ट रिजर्व द राइट टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इफ इट इज फील्स इट इज अनरिजनेबल कोर्ट लिक्विडेटेड डैमेजेस को बढ़ा या कम नहीं कर सकती लेकिन कोर्ट पेनल्टी को रिड्यूस कर सकती है कम कर सकती है अगर कोर्ट को लगता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा पेनल्टी है ये एक नॉर्मल बंदा पे ही नहीं कर सकता तब कोर्ट उसे रिड्यूस कर सकती है ओके द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज अ वार्निंग ऑफ सीरियस कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ ए ब्रीच कॉन्सिक्वेंसिज होता है रिजल्ट तो पेनल्टी का अमाउंट जो होता है एक तरह से वार्निंग होती है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो आपको ये जो है रिजल्ट uh, भुगतना पड़ेगा लेकिन लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं कि लाइकली लॉस की मतलब ये लॉस अगर होगा मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा तो ये लॉस होने के चांसेस है तो ये लॉस का अमाउंट होगा ठीक है तो डैमेजेस जो होते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस वो एक एस्टिमेशन होता है लाइकली लॉस का और पेनाल्टी जो होती है वो एक वार्निंग होती है लेकिन जो हमारा इंडियन लॉ है वो लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी में कोई फर्क नहीं करता है सिर्फ इंग्लिश लॉ में इन दोनों में डिफरेंस है लेकिन इंडियन लॉ में कोई डिफरेंस नहीं है अकॉर्डिंग टू सेक्शन सेवेंटी कहता है द लॉ परमिट्स ओनली रीजनेबल कंपनसेशन विच कैन इन नो केस एक्सीड द अमाउंट मैं इन द कोर्ट सेक्शन सेवेंटी फोर कहता है इंडियन लॉ का कि हमें सिर्फ रीजनेबल कॉम्पनसेशन ही लेना है दूसरी पार्टी से हमें प्रॉफिट में नहीं जाना है तो मतलब उतना ही कॉम्पनसेशन लेना है जितना हमें लॉस हुआ है तो इसलिए इंडियन लॉ पेनाल्टी और लिक्विडिटी डैमेजेस में कोई भी डिफरेंस नहीं करता है अब इन दोनों में डिफरेंस आ जाओ क्या है अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि लिक्विडिटी डैमेजेस और पेनाल्टी में क्या डिफरेंस है आपको क्लियर होना चाहिए अब लिक्विडिटी डैमेजेस का क्या ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब है मकसद लॉ की लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट का मतलब होता है मकसद लिक्विडिटी डैमेजेस क्या मकसद होता है टू सेव द ग्रीव्ड पार्टी फ्रॉम द लॉस इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ताकि दूसरी पार्टी को लॉस ना हो अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटे मीन्स जितना उसे नुकसान हो उतने की भरपाई उसको हो जाए पेनाल्टी का क्या मकसद होता है इज़ टू फोर्स द प्रोमिसर टू परफॉर्म द प्रोमिस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इसका मकसद पेनाल्टी का यह होता है कि आप इतनी ज़्यादा पेनल्टी रख देते हो ताकि दूसरी पार्टी चाह कर भी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ ही नहीं पाती क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो मुझे इतना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा तो वो चाह भी उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करता ही करता है अमाउंट लिक्विडेटेड डैमेजेस का जो अमाउंट होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है कि मीन्स जितना ग्रीव्ड पार्टी को लॉस होगा कॉन्ट्रैक्ट टूटने की वजह से उसके इक्वल ही होता है ऑटोमेटिकली ठीक है लेकिन पेनल्टी के केस में जो अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है जैसे मैंने आपको टेन लाख की एग्जांपल दी कि पर्सन का लॉस वन लाख का हो रहा है लेकिन पेनल्टी टेन लाख की रखी है तो मींस वो बहुत ज़्यादा होता है एक्सपेक्टेड लॉस से उसका लॉस से कोई लेना देना नहीं होता है थर्ड इज़ राइट ऑफ कोर्ट ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कोर्ट लिक्विडिटी डैमेजेस को इंक्रीज या डिक्रीज़ नहीं कर सकता है लेकिन पेनल्टी के केस में कोर्ट उसको डिक्रीज कर सकता है उसको कम कर सकता है अगर कोर्ट को लगता है कि ये पेनल्टी बहुत ही ज़्यादा है ओके आई होप आपको आज का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हाँ अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप आगे फर्दर भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मैंने देखा है आप मेरे वीडियोज़ को देखते भी हो और पसंद भी करते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो या फिर शेयर नहीं करते हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ सो Thank you.